साथियों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बीच में हमारे ही प्रदेश के एक व्यक्ति ने अपने जीवन को छोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश पांडे जी का, जिनको दो दिन तीन दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद कल मृत घोषित कर दिया गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मृत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और उनके परिवार को, उनके बच्चों को इस समय इस दुख की घड़ी में आत्मबल प्रदान करें। यह विषय अत्यंत दुख का विषय है कि उत्तराखंड में भी आज लोग डिप्रेशन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और तमाम चिंताओं की वजह से आत्मदाह या आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि ये प्रकरण चाहे आत्महत्या का हो या किसी अन्य प्रकार का, लेकिन दुख का विषय इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के घर का दीपक बुझा है। मेरा निवेदन है उत्तराखंड के सभी लोगों से कि हमको जीवन में कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी भी विपत्तियों का सामना करना पड़े, जीवन है तो सब कुछ है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करना है जिससे जीवन में या परिवार में कोई हानि पहुंचे, क्योंकि आज ये विषय राजनीति का नहीं है। जिस तरह से उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल राजनीति करने के लिए धरना, प्रदर्शन या आवाज़ उठाने की बात कर रही हैं। उनको इस विषय से कोई दुख नहीं है कि किसी का घर का दिया जला है, उसका दिया जला हुआ बुझ गया है। उनको केवल इस बात की चिंता है कि उनको राजनीति का मौका कहाँ मिले। मेरी उत्तराखंड की जनता नहीं, पूरे प्रदेश और देश की जनता से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का डिप्रेशन में अगर हो, परेशानियों में हो, वो इस तरह की कार्य ना करे जिससे उनके घर वालों के आंखों में आंसू आए, क्योंकि आज वो व्यक्ति दोबारा उत्तराखंड में नहीं आ सकता। वो व्यक्ति अपने माँ बाप के सामने, अपने बच्चों के सामने नहीं जा सकता। उस व्यक्ति को अपने बच्चों की याद आनी चाहिए, उस व्यक्ति को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, क्योंकि जीवन परेशानियों से ही घिरा है और उससे लड़ना ही हमारा जीवन का फर्ज है। लेकिन जो ये विगत तीन दिनों में हादसा हुआ, ये दयनीय है, दुखद है और इसकी जितनी भी घोर निंदा की जा सके निंदा कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनको भगवान ताकत दें और उस मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और जो लोग आज इसका मौका उठा के राजनीति करेंगे, जो लोग लोगों को उकसाने के लिए राजनीति रूप देने की कोशिश करेंगे, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ किसी मृत व्यक्ति के ऊपर राजनीति ना करें। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए अगर अपने स्तर से आप उनकी मदद कर सकते हो, अगर आप उनके स्तर से, अपने स्तर से उनकी आर्थिक मदद कर सकते हो तो आप उनकी आर्थिक मदद करें, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके पूरे भारत की राजनीति को घृणित करने का काम न करें, क्योंकि इस समय ये राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय हमें उन लोगों के साथ खड़े होने का समय है, उनको ढाढ़स बंधाने का समय है। इस समय सरकार को चाहिए कि उनका जो कर्ज था या जो उनकी पेमेंट बची है उनको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और समय आने वाले समय में ऐसी कोई घटना न घटे, इसके लिए भी उनके लोकल इंटेलिजेंस को ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के अंदर भी संयम होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो या रूलिंग की पार्टी है, क्योंकि जान मान धरना प्रदर्शन करके या किसी प्रकार का कोई भी सरकार को, प्रदेश को, लोगों को नुकसान पहुँचा के वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए, हमें आने वाले समय को देखना चाहिए, समाज को देखना चाहिए, किस ओर हमारी राजनीति जा रही है, किस और राजनेताओं की सोच जा रही है। और अगर किसी की व्यक्ति की मदद भी करनी है तो उसकी मृत्यु होने के बाद नहीं, अपितु उसके जीवित रह के उसकी सहायता करने की कोशिश करें, तभी उस परिवार को एक ताकत मिलेगी। और आज के इस दिन पे जो उनके परिवार में जो दुख और जो कष्ट उनको महसूस हो रहा है, शायद यह उनके अलावा कोई और व्यक्ति बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी परमात्मा से निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इस दुख की घड़ी में पांडे परिवार के साथ उनको एक शक्ति प्रदान करें और उस मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। सभी राजनेताओं से भी निवेदन करूंगा, भरपूर जो मदद हो सकती है उनकी मदद करें, लेकिन किसी प्रकार की राजनीति ना करें जो आने वाले
बच्चों के लिए एक गलत मैसेज और एक गलत उदाहरण बन सके। और गलत उदाहरण बनने का मतलब है राष्ट्र और राज्य गलत दिशा की ओर जाएगा। हम लोगों को सकारात्मक होके आने वाले समाज के लिए और पीढ़ी के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।